नमस्कार आयुर्वेदा टीचर्स में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो पे हम इस बारे में चर्चा करने वाले हैं जो हमारे इस बार जो नीट 2020 की परीक्षा है और जो हमारे जेईई की परीक्षा है उसमें कुछ नई चीजें शामिल हुई है, जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह। क्योंकि हमारा कोरोना का महामारी काल चल रहा है, कोविड-19 के इस टाइम पे बहुत तरह की प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स झेल रहे हैं, नीट पोस्टपोन करने की बातें चल रही हैं और कई तरह के मेंटल स्ट्रेस से वो गुजर रहे हैं। तो ऐसे में इन नए चीज़ों का आना उनके लिए कुछ नई बातें उनको परेशान कर सकती है, तो उन सभी बातों को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को क्रिएट किया गया है। तो हम बात करते हैं इस बार आपके सेंटर पे कैसे इंतजाम देखने को आपको मिलेंगे जो कुछ आपके सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। तो आपके सेंटर पे इस बार आपको थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा मिलेगी, यानी कि जितने भी आपके रिलेटेड हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका स्क्रीनिंग करने के बाद ही उनको एग्जाम हॉल में और या सेंटर के अंदर एंटर करने दिया जाएगा। इसके अलावा पहले के मुकाबले इस बार हर रूम में स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो बिल्कुल आधी कर दी जाएगी, यानी कि 24 के बजाय इस बार हर रूम में 12 स्टूडेंट्स को बैठने दिया जाएगा। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना है इस पर भी हम चर्चा कर लें। तो उन्हें खुद का एक वाटर बॉटल और एक हैंड सैनिटाइजर हमेशा अपने पास रखना है और मास्क से हर समय अपने माउथ को कवर करके रखना है, फेस को कवर करके रखना है। इसके अलावा जब वो सेंटर पे पहुंचेंगे तो उनके लिए सर्कल बना के रखा गया होगा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, तो उनको सर्कल में ही खड़ा होना है। हमारे पिछले सालों की तरह इस बार हमारे पेरेंट्स को सेंटर पे रुकने नहीं दिया जाएगा, उन्हें अपने बच्चों को ड्रॉप करने के बाद वापस लौट जाना है और जब एग्जाम खत्म होने की टाइमिंग हो जाएगी तो वापस से उन्हें पिक करने के लिए वो आ सकते हैं, बट सेंटर पे रुकना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बिल्कुल भी आपको परेशान करने के लिए नहीं है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इसलिए है ताकि आपके जो इन्विजिलेटर हैं उन्हें पता चल सके कि आपकी हेल्थ स्टेटस क्या है, कहीं आप कफिंग से तो नहीं गुजर रहे हैं, कहीं आपको फीवर तो नहीं है या ब्रेथलेसनेस तो फील नहीं हो रही है, क्योंकि आपके हेल्थ के बारे में उनको पता होना चाहिए, तभी वो बहुत अच्छे ढंग से ये एग्जाम को कंडक्ट करा पाएंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको एग्जाम के दिन ही एग्जाम से पहले मिलेगा, जो फॉर्म आपको भरना है। इसके लिए आपको एक फोटोग्राफ लगेगी, तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए भी एक फोटोग्राफ लेकर जाएंगे। पर सवाल ये उठता है कि अगर आपके साथ प्रॉब्लम है, अगर आपके साथ फीवर या कफिंग है, तो क्या आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा या फिर आप एग्जाम दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो किस तरह से आपको एग्जाम देना है। तो अगर आपके बॉडी की टेम्परेचर 99.4 फ़ारेनहाइट से ऊपर है, अबव है, देन आपको एक अलग कमरे में एग्जाम देने दिया जाएगा। आपको उन बच्चों के साथ एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा जो बिल्कुल नॉर्मल है, जिनके हेल्थ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारी चीज़ें आपके सेफ्टी के लिए ही हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा भी प्रेशर में नहीं आना है और बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको एग्जाम देना है। बेस्ट ऑफ लक गाइस।